आजकल लोग कहते हैं महाराज संप्रदाय के बंधन से बाहर रहना चाहिए, और संप्रदाय को छोड़कर लोग नए नए मार्ग बना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया कि कलयुग में ये भी होगा, दम्भिन निज मत कलपिकर प्रकट किए बहुपंथ। इस कलयुग में दम्भी लोग, दम्भ करने वाले जो धर्म का दम्भ करते, धर्म का आडंबर करते, दम्भिन निज मत कलपिकर अपनी मति से कल्पना करके प्रकट किए बहुपंथ, अनेक प्रकार के पंथ प्रकट कर देंगे। उसका परिणाम क्या होगा? बोले उसका परिणाम यही होता है, जिमि पाखंड बाधते लुप्त होई सद ग्रंथ। इस पाखंडवाद के कारण जितने सदग्रंथ हैं रामायण गीता भागवत वो सब लुप्त होने लगते, उन दंभियों की कल्पित कल्पनाएं ही ग्रंथ का रूप लेने लगती हैं समाज में, उसी का लोग आदर करने लगते। जैसे आज स्थिति क्या है, आज 18 पुराण से अलग किसी दंभी ने एक प्रज्ञा पुराण लिख डाला, अब प्रज्ञा पुराण चलेगा? 18 पुराण वेदव्यास जी ने जो लिखा उससे जीव का कल्याण नहीं होगा, तो तुम्हारे प्रज्ञा पुराण से जीव का कल्याण होने वाला? ये दम्भियों का दम्भ है। इसलिए सनातन परंपरा के जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आश्रय में ही जीव को चलना चाहिए। ये कलयुग है, यहां बरसाती मेढक जैसे, जैसे बरसात में मेढक पैदा होते हैं, सड़क के किनारे टर टर करते रहते हैं, चारों तरफ मेढक ही मेढक दिखते, और ज्यों ही बरसात समाप्त हुई सब मेढक गायब, उनकी टर टर खत्म। उसी प्रकार जब कलयुग आता है तो कलयुग में चारों तरफ बड़े बड़े ऐसे ही सब पैदा हो जाते और टर टर करने लगते, अपनी अपनी मन की बात, अपने अपने दंभ का विस्तार करते। इसलिए समय को देखते हुए शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुकूल ही चलना चाहिए, और जो हमारे सनातन शास्त्र हैं रामायण गीता भागवत, इन्हीं ग्रंथों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो उसी को सद्ज्ञान मानकर, उसी को सद्ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो आचार्य का मतलब जो संप्रदाय निष्ठ हो, उसके द्वारा, ऐसे सद्गुरु के द्वारा जब मार्ग मिलता है तभी भगवत प्राप्ति संभव होती है। कितने लोग कहते हैं महाराज हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया, हमने शंकर जी को गुरु बना लिया। बोले यह भी व्यक्ति के एक अहंकार का ही प्रतीक है। किसी ज्ञानी के सामने वो अपने अहंकार को तोड़ना नहीं चाहता, किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, इसलिए कहता अरे हमने तो हनुमान जी को ही गुरु मान लिया। हनुमान जी को तुमने गुरु मान लिया, लेकिन हनुमान जी ने तुमको अपना चेला माना कि नहीं, यह भी तो देखना पड़ेगा। यह तो संबंध है गुरु शिष्य का। अगर शिष्य ने किसी को गुरु मान लिया और गुरु ने शिष्य नहीं माना तो तुम्हारे मानने से क्या होने वाला? ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों बनाई गई? बोले इसीलिए बनाई गई कि कहीं से मेरे अहंकार के टूटने की शुरुआत तो हो, क्योंकि जो अहंकार हमें भगवान से दूर कर रखा है उस अहंकार को तोड़ने की शुरुआत तो कहीं से हो। कहां से हो? बोले दुनिया में कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने तुम अपने ज्ञान विज्ञान सबको समर्पित कर सको। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु के उपदेश से ही जीव का कल्याण होता है। ऐसे सदगुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो कोई सदगुरु मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज चल पड़े तो भगवान ने कृपा कर दी, देवर्षि नारद को भेज दिया, बोले जाओ जाकर के मेरे भक्त का मार्गदर्शन करो। देवर्षि नारद आए और रास्ते में ध्रुव जी को मिले, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा हम तपस्या करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करेंगे। बोले तपस्या कैसे की जाती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा सो तो नहीं मालूम है। बोले तो कैसे करोगे, क्या करोगे? तो ध्रुव जी भी बड़े बुद्धिमान, ध्रुव जी ने कहा आप बता दो, आप तपस्वी हो, आप ज्ञानी हो, आप ही बता दो क्या करना मुझे। नारद जी ने कहा कि जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा आपसे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा, आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ और मुझे मार्ग बताओ, मैं भगवान के चरण में कैसे पहुंचूं। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र की दीक्षा दी, द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते, इसी मंत्र का उपदेश किया, द्वादश मंत्र की दीक्षा दे दी। मंत्र तो वही है,
देखो यहां भी एक शंका हो सकती है, उसका भी समाधान करते चले। आप कहोगे मंत्र तो यही है, सबको मालूम है, तो यही मंत्र जब गुरुजी बताएंगे तो बताने की क्या जरूरत, हमको तो मालूम ही है, हम इसी को कर ले। बोले भले मालूम है आपको, लेकिन जब तक उनके द्वारा वो शब्द आपके कान में नहीं पड़ेगा तब तक आप उसके लिए अधिकृत नहीं माने जाए, क्योंकि ये श्रुति है। श्रुति माने वेद, जिसको सुन करके प्राप्त किया जाता है। सदगुरु के द्वारा इसे सुन करके जब हम प्राप्त करेंगे तभी इसमें मंत्रत्व होगा। अपने मन से आप मंत्र लेकर के जपते रहो, किताब में तो सब मंत्र लिखा है, सप्तकोटि महामंत्राः चित्र विभ्रम कारकाः, 7 करोड़ मंत्र हैं शास्त्रों में, चित्र को भ्रमित कर देंगे, क्या करें क्या न करें। गुरु निर्णय करके जब बताएगा और उस परंपरा से प्राप्त होगा तभी उस मंत्र के जपने का फल होता है। मंत्र वही है, शब्द वही है, लेकिन उसमें मंत्रत्व नहीं है। उसको आप ऐसे समझो कि जैसे PhD की डिग्री होती है तो एक कागज पे लिखी हुई मिलती है और विश्वविद्यालय से मिलती, तो उस पे जो जो कागज पे लिखा वैसा सेम कागज ला करके कहीं से छाप करके सेम आप बना सकते हो और बना किसी को दे दो तो क्या वो PhD की डिग्री हो जाएगी? ठीक वैसी ही डिग्री तैयार की जा सकती है, वैसा कागज, वैसी लेखनी, वैसे हस्ताक्षर, सब कुछ, लेकिन वो वास्तविक नहीं होगी। वास्तविक तब होगी जब उसका अंकन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में होगा और वहां से प्राप्त हो। उसी प्रकार मंत्र तो वही है जो आप सुन रहे हो, जान रहे हो, कागज में लिखा है, लेकिन जब वह परंपरा या संप्रदाय के सिद्धांत से संबद्ध महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होगा और जो आपको देंगे उनको उनके गुरु ने दिया हो, उनके गुरु को उनको ही गुरु ने दिया हो, इस प्रकार गुरुओं की जो अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, तब वह मंत्र जीव का कल्याण करता है। देवर्षि नारद ने मंत्र की दीक्षा दी और कहा बेटा इसी मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम सुचि, यमुना का पवित्र तट जो मधुबन है, वहां मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करना और यमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना। बालू से क्या मूर्ति बनेगी? लेकिन नारद जी ने कहा कि भगवान की पूजा तो मूर्ति में ही होती है, इसलिए काल्पनिक मूर्ति बना लेना और उसी में भगवान की पूजा कर लेना। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः, द्रव्यमयी मूर्ति बना करके और भगवान की पूजा करना और जो तुम्हें कंदमूल फल मिले भगवान को अर्पित करना और वही प्रसाद ग्रहण करना और फिर मंत्र का जप करना। ध्रुव जैसे भक्त को नारद जैसे ज्ञानी ने सतयुग में मूर्ति पूजा की सलाह दी। भगवान की जब भी पूजा होती है तो मूर्ति में ही होती है। साक्षात तो केवल भगवान की स्तुति होती है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं तो भक्त उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम प्रणिपात करते हैं। पूजन तो मूर्ति में ही होती है, पूजन का विधान भगवान के विग्रह में ही होता है, इसीलिए हमारे यहाँ बिना मूर्ति के कोई पूजा ही नहीं होती। छोटी से छोटी पूजा होगी, गणेश जी की पूजा करनी तो क्या करना है? बोले मूर्ति बनाओ। बोले 1 घंटे की पूजा है, किस चीज़ की मूर्ति बनावें? बोले कुछ नहीं है तो सुपाड़ी लेकर के उस सुपाड़ी पर ही कलावा लपेट करके गं गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, ये गणेश जी की मूर्ति हो गई, अब पूजा करो। गौरी की पूजा करनी है, बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, गाय का गोबर ले लो और उसी गोबर की गौरी बना करके गोमयमयीम गौरीम गौरी का निर्माण करके उसमें पूजा करो। विवाह शादी में बहुत भीड़ भक्कड़ रहती है, पूजा करना है देवी देवताओं का, कहाँ करें? बोले दीवाल में रेखाएं खींच दो और उसी को मूर्ति मान करके पूजा करो। मातृका पूजन जब विवाह में होता तो कैसे करते? वो दीवाल में एक चौकोर चित्र जैसा बना करके उसमें 7 रेखाएं खींच देते हैं सिंदूर से और ये सप्तघृत मातृकाएं हो जाती हैं, श्री लक्ष्मी मेधा इत्यादि, और उनका आवाहन करके पूजन कर लेते, ये चित्र मूर्ति। तो हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा अनादिकाल से होती चली आई, मूर्ति पूजा सनातन धर्म का प्रधान अंग है।